हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम देखिए एमपी पुलिस एमपीएसआई से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर रही है वो पूरी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो दोबारा से व्यापम को बंद करने की बात यहाँ पे की जा रही है। पहले भी व्यापम को बंद करने की बात कही गई थी 15 दिन के अंदर, बट नहीं किया गया और अब दोबारा से इन्होंने कहा है कि व्यापम बंद होगा। तो देखिए यहाँ पर भर्ती आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर व्यापम बंद होगा तो काफ़ी टाइम से ये कह रहा है कि व्यापम बंद होगा, बट नहीं वो और अब भी बोल रहा है कि व्यापम बंद होगा। तो भर्ती ना कहीं आपको डिले दिख रही है काफ़ी टाइम से। तो अब आगे क्या करना है, क्या आपको करना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी जो जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कमेंट आप वीडियो के बाद में करके बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तभी कमेंट आप करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एमपी पुलिस एमपीएसआई से रिलेटेड बहुत सारी जो कि वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहती है, तो यहाँ पे तैयारी भी जो कि आपकी करवाई जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम देर न करते हैं, फटाफट बढ़ते आगे। देखिए यहाँ पे आपकी न्यूज़ निकल कर आई है, आज की ये न्यूज़ है लेटेस्ट, और रोजगार के अवसरों पर ब्रेक, लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं में निराशा। पी भी हो सकता है बंद, इसलिए इस साल जो कि 15 भर्ती परीक्षाओं पर लगी अघोषित रोक। देखिए यहाँ पे पी भी बंद होने की पहले भी बात की जा चुकी थी कि 15 दिन के अंदर पी भी बंद हो जाएगा, बट 15 दिन से कुछ बहुत से दिन और भी ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक इसका कुछ भी मतलब बंद नहीं हुआ है। अब वापस उन्होंने कहा है कि पी भी बंद होगा, इसलिए इस साल जो 15 भर्ती परीक्षा होती उन पर पूरी पे अघोषित रोक इन्होंने लगा दी है। अब कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं आने वाली है जब तक इसका कुछ भी निष्कर्ष ना निकले। था पी भी बंद होगा या नहीं होगा इसका तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कभी बोलते हैं नहीं होगा, कभी बोलते हैं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे और अंत में आपको पूरा बताएंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, पूरी यहाँ पर जो कि आपको पता चल जाएगा। तो उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। तो देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज़ निकल कर आई है पूरी, तो यहाँ पर हम देखिए इसको जूम करके थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस के वचन पत्र में पीईबी को बंद करने का उल्लेख। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा इस साल विभिन्न विभागों में के हज़ारों पदों के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है, लेकिन युवाओं के सामने आए इन रोजगार के अवसर पर ब्रेक लगता दिख रहा है। इसके दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं, इस जो कि इससे इन पर अघोषित रोक सी लगती दिखाई जो कि दिख रही है। पहला कारण है पीईबी के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, दूसरा कारण प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण नियमों में किए गए बदलाव को बताया जा रहा है। तो देखिए पहला जो कारण है वो तो यही है कि पीईबी बंद होगा नहीं होगा, पीईबी के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, मतलब पीईबी बंद होगा या नहीं होगा यही कारण पहला दिख रहा है, इसीलिए भर्ती परीक्षा में जो कि अघोषित रोक इन्होंने लगा दी है। दूसरा कारण है प्रदेश सरकार द्वारा जो आरक्षण के नियम में बदलाव किया गया है उस कारण से भी ये भर्ती कहीं ना कहीं डिले हो रही है। तो पीईबी के संभावित शेड्यूल के अनुसार 15 भर्ती परीक्षा होनी थी, इसमें जो कि 13 भर्ती जो कि परीक्षाएं नहीं हो सकी है। वहीं इसी महीने होने वाली अन्य परीक्षाओं, जैसे कि अगर बात करें अन्य परीक्षा को लेकर, पीईबी ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं किया है, जो कि एसआई की आपकी जो कि होनी है एग्ज़ाम, उसका भी अभी तक इन्होंने कुछ भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उधर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि पीईबी को बंद किया जाना इसलिए देरी हो रही है। तो देखिए अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने, ये सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने अभी ये कहा है कि पीईबी को वापस, जो कि पहले भी किसी और मंत्री ने कहा था, बट अब जो कि इनके द्वारा कहा गया है कि पीईबी को बंद किया जाना। चलिए आगे देख लेते थोड़ी सी और न्यूज़। प्रस्तावित शेड्यूल इस जो कि साल ये परीक्षा होनी थी, देखिए यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, जैसा कि पीईबी ने अपनी जो कि साइट पर ये शेड्यूल डाल रखा था, तो यहाँ पे इस जो कि देख लीजिए आप, पहला आई होप का आप सभी को इसके बारे में पता होगा, फिर भी आपको मोस्ट आईएमपी जो है वो आपको बता देते हैं थोड़ा सा, जो कि सहायक परीक्षक की जो भर्ती है ये इसके बारे में देख लीजिए आप थोड़ा सा, उसके बाद में ये सब इंजीनियर की देख लीजिए संयुक्त भर्ती। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपको देख रखा है, इतना ज़्यादा ये आईएमपी नहीं है, ये देख लीजिए, टाइम वेस्ट यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे बात करें विभागों से मैट्रिक्स मांगी, तो पीईबी अधिकारी ने बताया कि आरक्षण नीति में बदलाव होने से परीक्षा जो कि भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की जा सकती हैं। तो देखिए पीईबी के अधिकारियों ने भी बताया है कि अभी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है, क्योंकि आरक्षण नीति में बदलाव किया गया है। उन सभी विभागों से पत्राचार कर नए नियमों के अनुसार पदों की मैट्रिक्स मांगी जा रही है, जिसमें आरक्षण के नए नियम हों। नई व्यवस्था से हो रही देरी, वचन पत्र में पीईबी को बंद करने की बात है, इस दिशा में काम किया जा रहा है, नई व्यवस्थाओं के कारण थोड़ा समय लगता है, इसके बाद जल्द ही भर्तियां शुरू हो जाएगी। तो देखिए गोविंद सिंह ने कही है, जो कि मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के।
आगे बात करें तो नहीं हुई तीन भर्ती परीक्षाएं, चौथी पर भी संकट। इस साल की जो कि इस साल तीन भर्ती परीक्षाएं नहीं हो सकी, इसके अलावा इसी महीने में होने वाली एक और भर्ती परीक्षा होना मुश्किल है। इसमें ग्रुप फाइव भर्ती परीक्षा 2019 15-16 जून को थी, जो कि पुलिस सिपाही यानी कांस्टेबल की जो भर्ती थी 29 जून को प्रस्तावित थी, जैसे कि इन्होंने डेट दे रखा था, बट वो भी शुरू नहीं, जो कि वो शुरू होनी थी बट वो भी जो कि शुरू नहीं हो, कोई भी नोटिफिकेशन उसका नहीं निकाला, ये भी अपन। इस प्रकार कौशल विकास संचालन जो कि संचालनालय ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती होनी थी 2019 के लिए, इसकी जो कि 27-28 इन्होंने टाइम दे रखा, समय तय किया गया था, बट इसका भी कुछ भी अभी पता नहीं है। वहीं इसी महीने में पुलिस SI भर्ती जो कि 2019 जो होनी है वो 17 अगस्त से शुरू होना तय है, लेकिन यहाँ जो कि अभी जैसे कि आप आज 11 जो कि अगस्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं और पूरा यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा। तो देखिए अभी तक इसका कुछ भी अता पता नहीं है, 11 अगस्त यानी 17 अगस्त से ये इन्होंने दे रखा है, बट अगर वैकेंसी आती तो कुछ ना कुछ टाइम पे ले ये स्टार्ट बताते, फिर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सके इसके बारे में, बट अभी इन्होंने कहा है कि अभी भर्ती परीक्षा नहीं आएगी, मतलब ये SI की भी होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब यह नहीं आयोजित हो जो कि आयोजित हो नहीं सकेगी। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा रहा है, लेकिन अब यह भी आयोजित नहीं हो सकेगी। आपको यहाँ पर पता चल गया है कि SI की भर्ती भी जो टाइम यहाँ पर दे रखा 17 अगस्त इससे स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे में लंबे समय से इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं में निराशा जाग रही है, क्योंकि परीक्षाएँ कब होगी इसको लेकर कहीं जवाब नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो परीक्षा हुई थी वो लास्ट टाइम 2017 में हुई थी, उसके बाद में 2018 निकल गया, 19 अभी चल रहा है और 19 भी आधा निकल चुका है। अभी भर्ती परीक्षाओं का कुछ भी आता पता नहीं है, मुझे लगता है कि जो कि 2019 भी जो कि निकल जाएगा पर भर्ती परीक्षाएँ नहीं आएगी, आएगी तो अंत में आएगी 19 के अक्टूबर नवंबर के लगभग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये नियम बनाएंगे, उसके बाद में लागू करेंगे, उसके बाद में नई डेट देंगे, उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने जो कि लग जाएगा भर्ती परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं ये जो कि वैकेंसीज है और डिले होंगी MP पुलिस की। ओके तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से समय से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2-3 साल से भी तैयारी कर रहा है, करने वाले जो कि लोग यहाँ पर होंगे, तो आपको ये करना है कि इसके बिल्कुल भी चक्कर में नहीं रहना है आपको बिल्कुल भी। इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल करिए इसकी तैयारी, बट इसके साथ साथ कोई और से भी एग्ज़ाम की जो कि आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम होते हैं, मैथ्स रीजनिंग ओके और साइंस GK, ये सब सेम होता है, आपको MP GK यहाँ पे इसके लिए स्पेशली पढ़ना होता है। तो ये जो कि आप थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो आप उसकी भी जो कि और किसी एग्ज़ाम की भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो अगर देखा जाए तो मैथ्स रीजनिंग और GK साइंस सब सेम आते हैं, तो आप और कोई से भी एग्ज़ाम में ट्राई कर लीजिए, उसमें अगर आपका हो जाता है तो बाद में जब भी वैकेंसीज निकलती है MP पुलिस की इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ तक आप कब तक बैठे रहेंगे इसके भरोसे, पता नहीं वैकेंसी इस साल भी ना आए अगले साल भी ना, ऐसा हो नहीं सकता है, बट हो सकता है वैकेंसी कब तक ना आए, तो क्या पता वैकेंसी कब आ जाए कब ना आए, तो इसलिए बिल्कुल भी आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए और किसी अन्य जो कि एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाइए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है इसकी तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यही मेरा सजेशन था कि आप बिल्कुल भी इसके चक्कर में ना रहे, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी टाइम से डिले हो रही है और अभी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि जो कि व्यापम बंद होगा, तो व्यापम बंद होगा तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, काफ़ी टाइम उसको व्यापम को बंद करने में लगेगा, उसके बाद में नया जो कि बोर्ड बनाएंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम इनको लग जाएगा, नई नीति नई संशोधन किए जाएंगे, नया पैटर्न आएगा तो उसमें भी काफ़ी टाइम इनको लग जाएंगे, नए क्वेश्चन नए प्रश्न बैंक बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जो कि लगने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप टाइम ना गवाते हुए बिल्कुल भी अपनी तैयारी जो कि जारी रखिए, बट ये नहीं कहता हूँ कि बंद कर दीजिए, जारी रखिए अपनी तैयारी, बट कोई और एग्ज़ाम को फोकस भी आप कर सकते हैं। तो यही था मेरा सजेशन, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही आपको एक बात जो कि बता देता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, करंट अफेयर यहाँ पर डेली आपको मिलता है, MP का भी मिलता है और ऑल करंट अफेयर भी यहाँ पर मिलता है, करंट न्यूज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि करंट में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी IMP क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं, उसके साथ में बहुत सारे डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप हमारे जो कि MPSI MP कॉन्स्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे NTPC की भी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज कर लीजिए, यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट अभी मिल रहा है, तो यहाँ से जाकर बिल्कुल अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है और बढ़ा सकते हैं।
आज का वीडियो यहीं करेंगे समाप्त, तो क्योंकि आज के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।